अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वरकता कैसे आप लोग उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे मैं हूं सरफराज आलम और आप देख रहे हैं इस्लामिक जिक्र नाजरीन आज की इस वीडियो में आप सभी को अल्लाह तबारक व तैयार का तीन ऐसा नाम आप बताने वाले हैं जिससे आपके घरों में बेशुमार रिस्क आएगी बरकतें आएंगे और आपका घर रिस्क और बरकत से भर जाएगा जो चीज़ें आपके पास नहीं होगी वो चीज़ आपके पास आने शुरू हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी मुसीबतें भाग जाएंगी अल्लाह के ये तीन नाम से आप को मालूम है कि अल्लाह के निन्नानवे नाम है और हर नाम में बहुत ही बरकत और बहुत ही कमाल ख़ूबी का जामे है तो उस सारे नामों में से निन्वे नामों में से आपको तीन नाम बताने वाले जिनसे आपकी ज़िंदगी में रिस्क आपके घरों में आएगी मसलन बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं उनके पास रिस्क का कोई ज़रिया नहीं है और बहुत ऐसे लोग हैं जो रिस्क तो कमाते हैं लेकिन उनके रिस्क में कोई बरकत नहीं होती तो ऐसे लोगों को यह वजीफा करते ही बेशुमार रिस्क और बरकतें आएंगी उनकी ज़िंदगी और किस्मत का सितारा चमकने लगेगा इन शवर्क वजाला कौन सा तीन नाम है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा जिस तरह मैं आपको बताऊं उसी तरह कीजिएगा और याद रखें नाजरीन कोई भी वजीफ़ा ये वजीफ़ा या कोई भी वजीफ़ा आप आजमाने की नीयत से नहीं करेंगे सिद्ध दिल से करेंगे तो इनशाला बेहद असरदार होगा अगर कोई भी वजीफा आप आज़माने की नीयत से करते हैं तो वजीफा आपके लिए असरदार नहीं होगा करना क्या है कि ये वजीफा कैसे करना है तो आप देखें और समझें लेकिन उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बिलैगुन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को नाजरीन दुनिया में बेहद लोग खुशहाल भी हैं तो बहुत लोग बदहाल भी हैं जो लोग बदहाल है वो मुझे इस उम्मीद से दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं कि शायद मैं दुआ करूँ तो उनकी दुआ कबूल हो जाए तो मैं ऐसे भाइयों और ऐसे बहनों के लिए दुआ करता भी हूँ और दुआ करवाता भी हूँ कल्ला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनके तमाम नेक मकासद को पूरा फरमाए आमिन शुमा लेकिन कुछ चीज़ होती है वजीफे के ज़रिए भी हासिल कर लिया जाता आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही कमाल ख़ूबी का जामे वाला अमल बताने वाला हूँ यह अमल फजर की नमाज के बाद आपको करनी है रिस्क और बरकत के लिए फजर की नमाज जब आप पढ़ ले तो जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी है वहीं पर आपको बैठे रहना है नाजिन जब आप बैठ जाए तो वहाँ पे शुरू और आखिर में आपको दरूज शरीफ पढ़ लेना है कम से कम एक सौ इकहत्तर इकहत्तर मरतबा कोई भी दरूज शरीफ आप पढ़ सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन बेहतर यह है कि आप दरुद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ा करते हैं वो आपको याद ही होगा जब द्रू शरीफ आप पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व का ये तीन नाम बिस्मिल्लामानरिम या रजाको या गनीयो या समीयो, या रजाको या गनीयो या समीयो, या रजाको या गनीयो या समीयो। नाज़ी इसको एक हज़ार एक मरतब तीनों नाम को पढ़ना है फिर आखिर में भी एक सौ इकहत्तर मरतबा दुरुस्फ पढ़ना जब दुरुस्रीफ पढ़ ले तो अल्लाह की बारगा में दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ के लिए इस तरह हाथ उठाए कि मर्द अपने हाथों को पेशानी के करीब रखे निगाहें नीचे रखे औरत अपने हाथों को पर्दे में रखे और नाजिन जब यह वजीफा करे तो पहले ही से दौलत पहले से रिस्क और बरकत की नीयत आपके दिल में हो उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे रिस्क और बरकत के लिए इन तो वर्क वाली इक्कीस दिनों के अंदर में ही ये वजीफा सरदार बन के आपके सामने आ जाएगा और रिस्क बेशुमार आने लगेगी बरकतें घरों में बेशुमार आने लगेंगे जिसका अंदाज़ा आप खुद नहीं लगा सकते कि कल की आपकी हालत क्या थी और आज आपका हालात क्या है लगातार कम अज़ कम इक्कीस दिनों तक तो ये अमल करें उससे आगे आपकी मर्जी अगर रोजाना करते हैं तो हमेशा आपके लिए फ़ायदा ही मंद साबित होगा लेकिन नाजीन उससे पहले आप इसको अमल करें हमारी सोच और इस्लामिक जिक्र की सोचिए है कि तमाम मुसलमान भाई और बहन नमाज़ के पावन बने तो आप भी नमाज़ पढ़े और नमाज़ की दावत दे अगर आपके एक हिदायत से कोई नमाज पढ़ना शुरू करता है तो आप भी सीने की शामिल हो जा रहे हैं बात अच्छी लगी हुई अमल करें चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें साथ में ब्रैगुन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और एक लाइक भी कर दीजिएगा अपना ख्याल रखेगा असलम वरहि वबरकता